सरकार मुझे मौका दे तब तुम। उन्होंने एक बार मुझे याद किया तो मैं गया, परफॉर्म किया। बेहतर रहा आपका कन्फर्म। बिल्कुल, लोगों ने सराहा, आपके वहाँ से भी वीडियोज़ वायरल हुए। तो लगता है कि अगर सरकार आपको मदद करती या सरकार आपको देखती या आपकी कला को समझ पाती तो शायद जो सड़क पर आप हैं तो शायद आपके लिए जो बहुत बेहतर इंतज़ाम हो पाता। और देवेश जैसे कई कलाकार जो आर्थिक स्थिति में अपने कला को मार देते हैं, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, शायद वो नहीं हो पाते। मैं म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी इच्छा है कि मेरा जो आर्ट है वो झारखंड के हर एक घरों घरों में हो और झारखंड के हर एक लोग मुझे पहचाने, मुझे जाने, मेरे एक पहचान बने, एक मुझे एक जगह मिले जहाँ से मैं और भी बच्चे को अपनी तरह बना सकूँ। हम और आबादी के किनारे सड़क पर बैठकर बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं होती तो आप एक ऑफिस खोल लेते, एक एसी कमरे वाला एक आपका क्लासरूम होता जहाँ आप बच्चों को बहुत महंगे महंगे फीस के माध्यम से पढ़ा पाते। लेकिन आप सड़क पर 150 रुपये में फ़ोटो बना रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपकी मजबूरी नहीं। क्योंकि जब हम लोग इंडियन आइडल 11 याद करते हैं तो जब आपकी बात आपका जिक्र हुआ था तो ये बात सामने आई थी कि आप होटलों में बर्तन धोकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्या 2011 के बाद 2019 के बाद इंडियन आइडल 11 के बाद 2023 तक देवेश की आर्थिक स्थिति नहीं बदल पाई है? सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया? क्या एक कला सड़क पर सिर्फ आर्थिक स्थिति के कारण आ गया या कुछ और मामला है? झारखंड में कला कैसे सड़कों पर दम तोड़ता है वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। एक ऐसा कलाकार जिसने झारखंड का नाम पूरे देश स्तर पर ऊंचा किया लेकिन आज वो सड़कों पर पेंटिंग करके अपना गुजारा कर रहा है, देवेश नायक उसका नाम है। आपने उसको देखा होगा इंडियन आइडल 11 के मंच पर, 2019 में इंडियन आइडल होता है और उसमें देवेश का गाना आता है और उसके बाद उस गाने पर जजेस की पूरी टीम वाहवाही देती है और पूरा झारखंड खुद को गर्वान्वित महसूस करता है। लेकिन आज देवेश कहाँ है, देवेश क्या कर रहा है, ये जानकर शायद आपको बहुत दुख होगा कि देवेश रांची राजधानी के मोराबादी में सड़क किनारे पेंटिंग बनाकर अपना पेट पोस रहा है। ये हम बताना चाहते हैं, झारखंड में कला की स्थिति इतनी बुरी है कि कलाकार सड़कों पर है और सरकारों को कोई मतलब नहीं है। अगर हम संस्कृति की, अगर हम गायकों की बात करें या डांसर्स की बात करें या रंग प्रेमी की बात करें तो उनका वजूद भी लगभग समाप्त होने पर है, और देवेश जो है उनको आप देख सकते हैं। हम देवेश से मिलाते हैं आपको, उससे पहले एक बोर्ड दिखाते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है म्यूज़िक पेंटिंग ओलंपियाड क्लासेस और पेंटिंग है देवेश नायक और ये सारी चीज़ें हैं। टीचर हैं इंजीनियर एस कुमार, एस कुमार बीटेक रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप, ये सारी चीज़ें देवेश की डिटेल है। ये मेरी बाईं तरफ रांची राजधानी का ऑक्सीजन पार्क है जहाँ हर शाम क्राउड दिखता है आपको, और ये मोराबादी का सबसे पॉश इलाका है जहाँ रहीसों का जमावड़ा लगता है, और इस रहीसों के जमावड़े वाले इलाके में देवेश सड़क पर बैठकर पेंटिंग कर रहे हैं 150 रुपया में और उससे अपना जीवन चला रहे हैं। हम देवेश से बात करते आखिर समझते हैं कि कल तक जो लड़का स्टार्डम में था, मंच पर था, इंडियन आइडल जैसे मंच पर गाना गा रहा था, जजों को खुश कर रहा था, उसके बाद रजप्पा महोत्सव में उसने जब गाया तो उससे लोग, उस जनता जो है वो बहुत उत्सुक हुई। देवेश से पूछते आखिर यहाँ तक पहुँच जाने का क्या नाम? देवेश आप तो इंडियन आइडल 11 में गए थे, फिर अभी आप यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं, ये शौक से कर रहे हैं या मजबूरी है सड़क पर आकर पेंटिंग को? देखिए बात तो दोनों है मेरे साथ, शौक भी है और मजबूरी भी है। मजबूरी तुम नहीं कह सकते क्योंकि ये मेरा हाथ का हुनर है और मैं यहाँ पे स्केचेस बना के दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा स्केचेस झारखंड के हर घरों में हो, मुझे स्टार्डम मिले आर्ट से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड। मैं म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी इच्छा है कि मेरा जो आर्ट है वो झारखंड के हर एक घरों घरों में हो और झारखंड के हर एक लोग मुझे पहचाने, मुझे जाने, मेरे एक पहचान बने, एक मुझे एक जगह मिले जहाँ से मैं और भी बच्चे को अपनी तरह बना सकूँ। तो आप मोराबादी के किनारे सड़क पर बैठकर बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं होती तो आप एक ऑफिस खोल लेते, एक एसी कमरे वाला एक आपका क्लासरूम होता जहां आप बच्चों को बहुत महंगे महंगे फीस के माध्यम से पढ़ा पाते। लेकिन आप सड़क पर 150 रुपये में फ़ोटो बना रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपकी मजबूरी नहीं। क्योंकि जब हम लोग इंडियन आइडल 11 याद करते हैं तो जब आपकी बात आपका जिक्र हुआ था तो ये बात सामने आई थी कि आप होटलों में बर्तन धोकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्या 2011 के बाद 2019 के बाद इंडियन आइडल 11 के बाद 2023 तक
देवेश की आर्थिक स्थिति नहीं बदल पाई है, सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्या एक कला सड़क पर सिर्फ आर्थिक स्थिति के कारण आ गया है या कुछ और मामले? देखिए, लोगों का प्यार मुझे तो मिला बहुत, लोगों ने वीडियो वायरल किया, लोगों ने मुझे सराहा, बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है। मजबूरी भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा आर्ट जो है सभी के पास और सभी लोग जाने मुझे कि मैं आर्ट भी अच्छा करता हूँ और मैं आर्ट के माध्यम से अपना नाम भी कमाना चाहता हूँ। तो सड़क पर क्यों, एक तो ऑफिस हो सकता, एक तो एक क्लासरूम हो सकता था। देखिए क्लासरूम के लिए बजट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें रांची जैसे शहर पर आप अगर इंस्टीट्यूट देंगे ना तो एक अच्छा खासा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वो फिलहाल मेरे पास नहीं है और मैं अभी अर्न कर रहा हूँ स्केचेस बना के। माली स्थिति में कुछ सुधार आया देवेश 2019 से लेकर 2023 तक में? क्या क्या गुजरा, कहाँ गए, कैसे रहे? बीच में आपको रजरप्पा महोत्सव में भी गाते हुए देखा गया था, बड़ा मंच था वो भी, तो क्या कोई सुधार नहीं हुआ माली स्थिति में? देखिए सुधार तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, बस ये है कि लोग मुझे पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन सपोर्ट बहुत जितना मुझे चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है लोगों से, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा और सपोर्ट मिले, लोगों का प्यार मिले और मैं जिस मुकाम पे जाना चाहता हूँ मुझे वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। सरकार की तरफ से कुछ आपके लिए इंडियन आइडल के बाद या फिर वहाँ रजरप्पा महोत्सव के बाद, एक ही बार आप रजरप्पा महोत्सव में गए 2019 के बाद जी, कौन से साल गए थे रजरप्पा महोत्सव? वो करीब शायद 2020 या 2021 होगा, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। उसके बाद एक ही बार हुआ? एक ही बार मैंने किया रजरप्पा महोत्सव। उसके बाद हर साल तो होता है, हर साल होता है, लेकिन आप लोग मुझे याद करेंगे तभी तो सरकारी कार्यक्रम है, यानी सरकार याद करनी चाहिए। हाँ, अब सरकार मुझे मौका दे तब तो, उन्होंने एक बार मुझे याद किया तो मैं गया, परफॉर्म किया, बेहतर रहा आपका कार्यक्रम। बिल्कुल, लोगों ने सराहा, आपके वहाँ से भी वीडियोस वायरल हुए, तो लगता है कि सरकार आपको मदद करती या सरकार आपको देखती या आपकी कला को समझ पाती तो शायद जो सड़क पर आप हैं तो शायद आपके लिए जो बहुत बेहतर इंतज़ाम हो पाता। और देवेश जैसे कई कलाकार जो आर्थिक स्थिति में अपने कला को मार देते हैं, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, शायद वो नहीं हो पाते। क्या इस बात का दुख है कि देवेश सड़क पर बना रहे हैं? देखिए दुख है इस बात का मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए काम कोई भी छोटा नहीं होता है, चाहे सड़क पे हो, ये आखिर ज़मीन पे ही तो है, ज़मीन से ही तो इसमें जब हम लोग का उम्र ख़त्म हो जाता है तो ज़मीन पे ही लोग जो है वापस दफन हो जाते हैं, तो ज़मीन से मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ, मेरे पास भी सब कुछ है लेकिन बताने के लिए वो चीज़ें नहीं होती, और मैं एक आर्ट जो है मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है आई थिंक, और मुझे बड़ा भी मिलेगा तो वो भी अच्छा है, लेकिन अभी स्टार्टिंग मैंने किया है, इससे क्या होता है कि लोगों का मुझे पहचान और ज़्यादा लोगों उससे कांटेक्ट बन रहा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं, मुरादाबादी मैदान है, बहुत चंद पहल एरिया है, लोग आते रहते हैं स्केचेस देखने के लिए या घूमने के लिए, टहलने के लिए, खाने के लिए, सामने ऑक्सीजन पार्क भी है, तो लोगों से मेरा कॉन्टेक्ट बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा दिन आएगा कि जिनका मुझे तलाश है वो आ करके मुझे सपोर्ट करेंगे या मुझे एक सही मार्गदर्शन देंगे। तो आप कब से यहाँ कर रहे हैं? लगभग मैं 1 वीक से हूँ यहाँ। एक हफ्ते से, और कब तक रहेंगे? मैं फिलहाल अभी 7 नवंबर तक तो हूँ मैं, जब तक यहाँ महिला और ये जो मेला जो लगने वाला है चल रहा है, IAS ऑफिसर्स की पत्नियों द्वारा जो मेला लगाया जा रहा है उसमें। हाँ बिल्कुल, तो 7 जनवरी 7 नवंबर तक हो फिर उसके बाद का कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं है, अगर मैं फ्री रहूँ तो मैं स्केचेस करूँगा। अगर पब्लिक का डिमांड बढ़ गया, आप यहाँ हैं और आपका अभी कितना, 1 वीक हो गया आपका? हाँ ना, 1 वीक तो नहीं हुआ, मतलब 1 वीक होने 3-4 दिन हो गया। हाँ, क्या रहा पब्लिक की तरफ से रिस्पांस, आप संतुष्ट हैं या और बेहतर चाहते हैं? देखिए पब्लिक का रिस्पांस तो अच्छा है, लोग बहुत लोग स्केचेस भी बना रहे हैं और बहुत लोग वीडियो और मतलब शूट करके भी जा रहे हैं, अच्छा रिस्पांस है। कितने में बनाते हैं स्केच ये? टाइम लगता है 150 में बनाते हैं, 150 रुपये में एक स्केच बनाते हैं, इसमें एक कैरेक्टर रहता है और इसको हम देते बना के लोग, फ्रेम भी रखते हैं हम, तो जिसको फ्रेम चाहिए वो फ्रेम भी लेते हैं, फ्रेम का 200। मतलब स्केच और फ्रेम के साथ 350। 350 में मैं बना के देता हूँ फ्रेम के साथ। कितना टाइम लगता है? हाँ मुझे बनाने में करीब 20 मिनट जाता है, 20 से 25 मिनट पोर्ट्रेट में। हाँ,
और फिर करके मतलब आधे घंटे में आप कंप्लीट करके दे देते तो लोग बना रहे हैं। तो ये सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करके आप बनाते हैं? हाँ, मैं हर तरह का काम करता हूँ मीडियम, लेकिन यहाँ पे कैसा है लोगों को, सब लोग जल्दी में रहते हैं तो हाँ सब लोगों को जल्दी चाहिए रहता है, तो मैं बना के जस्ट देता हूँ क्विक को। तो लोग बना रहे हैं? हाँ बना। सीखा है कहीं से या फिर कॉलेज किया? मैं जे जे आर्ट कॉलेज जहाँ पे मैंने म्यूजिक भी रह के उसी कैंटीन में काम करके मैंने चेंबर में द फाइन आर्ट सोसाइटी में मैंने गंधर्व यूनिवर्सिटी से अपने संगीत का ये शिक्षा लिया। उसके बाद जे जे आर्ट कॉलेज मुंबई, वहाँ पे मैंने पेंटिंग में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का डिग्री लिया। तो ये देवेश हैं और इनको 2019 के इंडियन आइडल 11 में देखा गया था और जिनके वीडियोस बहुत वायरल हुए थे, और उसके बाद आज देवेश सड़क पर हैं। हालांकि देवेश इस बात को कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनके आंखों में हम इस देखकर इस बात को समझ सकते हैं कि आर्ट कैसे सड़क पर आ गया है। और इन्होंने एक बात कही कि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है कि वो एक कमरे का क्लासरूम बना सके जहां वो बच्चों को सिखा सके। हालांकि देवेश कहते हैं कि ज़मीन से हम जुड़े हैं और ज़मीन से जुड़े रहेंगे, इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ भीड़ है, अगर आप मेरे इर्द गिर्द देखेंगे विजुअल्स के माध्यम से भी दिखाई पड़ेगा और ऐसे भी देखेंगे, और ये जमावड़ा लगातार देवेश के इर्द गिर्द रहता ही है। देवेश यहाँ जब तक रहते हैं लोग इनके आर्ट्स को देखते हैं, इनसे फ़ोटोज़ लेते हैं, इनसे वीडियोज़ लेते हैं, कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं। अमनजीत आप तो हैं, आपने भी एक पेंटिंग बनाया है, क्या कहेंगे कि झारखंड में कला की जो स्थिति है वो इतनी बुरी होने लगी है कि वो सड़क पर है? ये बहुत दुखद है आकाश भाई, और हमें खुशी लगती है कि आप जब आते हैं। तो इससे पहले करण महतो का आप ही ने दिखाया था जो महेंद्र सिंह धोनी का पोस्टर बड़ा फोटोज किया था, और जो सरकार है वो अगर कोई हिट हो जाता है तो एक बार का इग्नोर बुलाते हैं, उसके बाद ऐसे भूल जाते हैं जिसे कोई लेना देना नहीं है। सरकार इन लोग प्रति ध्यान दे। देवेश जब मुझे पता चला, मैं तो रैंडम पेंटिंग बनाने आया था आकाश भाई, फिर जब पता चला कि इंडियन आइडल का है तो मुझे दुखी हुआ कि रांगर से निकला हुआ बच्चा मुंबई तक जाता है, उसके बाद वापस यहाँ सड़क पर मुराबादी ऑक्सीजन में बैठ जाता है। तो एक शायद आप बात करना चाहेंगे एक मिनट, आपका पेंटिंग है उसको खो, आप नहीं खोलेंगे। अच्छा, एक दीदी है वो एक पेंटिंग देवेश के से बना कर लेके जा रहे हैं, हालांकि वो उसको रिवील नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी उनको देखा है उन्होंने, वो कैसा, उसके क्या नाम हुआ आपका? अनुप्रिया कुमारी। आप यहीं से? हाँ रांची से। आप कैसे देवेश को जाने और यहाँ पहुँच गए? मैं परसों मैच देखने के लिए आई थी, देन मैंने देखा कि ये स्केच बना रहे हैं, तो मैंने इनसे आके पूछा, तो इनकी रेट भी बहुत कम ही है, तो फिर मैंने इनसे बोला एक स्केच बनाने के लिए, और उन्होंने कल ही बना के रखा था, पर मैं आने में लेट हो गई, तो फिर मैं आज लेके जा रही हूं। आप लेकिन थोड़ा सा देखे उसको कैसा लगा? तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो आप ये क्लास भी स्टार्ट करवाने वाले हैं, तो मैं तो बोलूँगी कि जिनको स्केचिंग सीखना है वो आके ज्वाइन करें। आपको नहीं लगता है कि जो कला है वो सड़क पर है, शायद इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, कहीं और होना चाहिए? क्लासरूम होना चाहिए एक क्रीम के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए क्लब होना बहुत जरूरी। आप देवेश को इससे पहले कभी देखे हैं, कभी सुने हैं? मैं इंडियन आइडल देखती हूँ, उसमें मैंने देखा है। देखा है 2019 का? हाँ। एक इंडियन आइडल का स्टेज और उसके बाद ऑक्सीजन पार्क के सामने का ये सड़क, थोड़ा अफसोस नहीं होता है कि झारखंड को कला? होता है, पर अब लोग इन्हें जितना ही मोटिवेट करेंगे और इनके साथ देंगे तो फिर अच्छा रहेगा इनके लिए, तो मैं तो बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इनसे स्केच बनवाएं, और इन्हें एक लैब भी देना चाहिए क्लासरूम जैसे। तो और कई लोग हैं, सुधीर जी हैं, सुधीर देवेश के गांव के हैं और बकायदा ये मदद कर रहे हैं देवेश को यहाँ पे। सुधीर, देवेश को पूरा राज्य एक समय जान रहा था 2019 में जब इंडियन आइडल 11 आया, और फिर उनको रजरप्पा महोत्सव में आपके ज़िले में रामगढ़ में रजरप्पा महोत्सव में भी जगह मिला, और आज सुधीर सड़क पर हैं। और 19 से लेकर 23 तक में सुधीर को लेकर ना तो सरकारों ने सुध लिया, और हमारी गलती कि हमने भी सुध नहीं लिया कि इतना बड़ा कलाकार, इसकी कला कहाँ चली गई है, और सुधीर जरा सड़क पर है, क्या करना? देखिए, जब 19 में इनका जब मैं टीवी शो में देखा, और जब इनका पता जब रामगढ़ का दुलमी प्रखंड का बताया गया, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि एक गांव का लड़का, एक गांव का युवा आज बम्बई पहुँच कर इंडियन आइडल में पहुँच कर काफ़ी अच्छा करने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद वहाँ तक पहुँचने के बाद एक कार्यक्रम जो रजरप्पा महोत्सव हुआ, उसके बाद इनका सरकार के द्वारा, चाहे पिछला सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, इनको और तरह का कई कार्यक्रम जैसे सरकार के द्वारा होता है उसमें इनको अगर
आमंत्रण किया जाता तो इनका भी हौसला बढ़ता और इनको इनको भी खुशी होता कि मुझे जो हमारा प्रतिभा उसको दिखा पाते। साथ ही जिस तरह से अभी सरकार पिछले दिनों खिलाड़ियों को जो सम्मान निधि प्रोत्साहित किया जा रहा है, उस तरह से झारखंड में जितने भी इस तरह के कलाकार हैं, चित्रकार जो पेंटिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को भी प्रतियोगिता के माध्यम से हो या फिर सरकार एक स्कीम निकाल कर ऐसे लोगों को भी अगर सरकार अगर मदद करेगी तो इस क्षेत्र में भी काफ़ी युवा आगे बढ़ेंगे। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरह के युवाओं को भी प्रोत्साहित करें ताकि जो युवाओं के अंदर जो कला है वो आगे बढ़े। देवी से आखिरी में एक बातचीत, आप जो वीडियो हमारे दर्शक देख रहे होंगे क्या उनको कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो सभी झारखंड वासियों को जोहार। मैं एक छोटा संदेश देना चाहूँगा कि हमारा जीवन बहुत अनमोल है, जीवन बहुत भाग्य से मिलता है मानव जीवन, इसमें आप कुछ ऐसा कीजिए कि आपका पहचान बने। मैंने ही ऐसा करने का कोशिश किया है और अभी भी कर रहा हूँ, मेरी पहचान बनी है। अब जितने भी झारखंड वासी पूरे देश के लोग मुझे देख रहे हैं, सभी से मैं यही कहूँगा कि आप जीवन में कुछ अच्छा करें और बड़ा करें, सोच बड़ा रखिए, सब कुछ अच्छा होता है और अपने आप पर भरोसा रखें। शुक्रिया। तो ये देवेश हैं। देवेश का परिचय इतना सा है कि 2019 के इंडियन आइडल 11 में देवेश ने परफॉर्म किया था और पूरा नाम राज्य का रोशन किया था देश लेवल पे। उसके बाद देवेश रजरप्पा महोत्सव में आते हैं, वहाँ से भी इनके वीडियोस वायरल होते हैं। 2019 से 2023 के बीच में देवेश के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, इस पर हम लोग बात नहीं करना चाहते ना जानते हैं, लेकिन फिलहाल देवेश रांची राजधानी के मोराबादी के ऑक्सीजन पार्क के सामने सड़क पर बैठकर 150 रुपया में पेंटिंग बनाते हैं और उसको लोगों के बीच भेजते हैं। देवेश का कहना है कि झारखंड के हर घर तक मेरा पेंटिंग जाए, मुझे लोग पहचाने, मेरी कला को पहचाने। और देवेश अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र भले ही नहीं करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में वो दर्द दिखता है कि अगर देवेश के पास पैसा होता तो एक क्लासरूम होता जहाँ देवेश लोगों को पेंटिंग सिखा सकते थे। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर अगर रांची आसपास हैं तो देवेश के पास आएँ। मात्र 150 रुपया में, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, मात्र 150 रुपया में आपकी पेंटिंग बनेगी और इससे ना तो देवेश का बहुत कुछ हो पाएगा ना आपका बहुत कुछ घट जाएगा, लेकिन देवेश को प्रोत्साहन मिलेगी और देवेश शायद और बेहतर कर पाएंगे। हालांकि कई और खबरों के लिए मिलते हैं, अब तक के लिए जोहर।